मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सोसाइटी मैगजीन की ओर से. आई मीन दे हैव बीन हियर सिंस ऑलमोस्ट व्हाट 3 decades नाउ एंड 5 decades एंड यू नो हर दिस नाइट सेलिब्रेट्स यू नो द अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ. सो इट्स ग्रेट एंड देन यू नो मी बीइंग अ पार्ट ऑफ and such an amazing night. I feel very privileged, so thank you for having me. Okay, of course I'm very excited. As I said, like, today is an evening of achievers, and you know, being a part of an evening like that makes me feel really happy. Makes me feel like maine bhi shayad achieve kar hi liya kuch na kuch to. Well, I have I have a Tamil film that I'm shooting for right now. I have a film that's in post-production, a Hindi comedy film, and I have a horror film that's going to be starting next year in the first half. Thank you. जी थैंक यू, धन्यवाद. हम अपने फैंस के लिए यहाँ पे हैं, उनके प्यार की वजह से यहाँ पे हैं, और आज सोसाइटी अचीवमेंट अचीवर्स अवार्ड्स के लिए यहाँ पे हैं. तो वेरी एक्साइटेड. आई थिंक हमेशा अच्छा लगता है जब कोई आपके काम को सहारे और प्यार दे. जी बिल्कुल. आई थिंक मैं कहना चाहूँगा कि इट्स एन ऑनर टू रिसीव दीज अवार्ड्स फ्रॉम आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे जी एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी. आई थिंक अच्छा लगता है जब ऐसी हस्तियाँ आर्ट्स और एंटरटेनमेंट को इंकरेज करें, हम जैसे आर्टिस्ट को इंकरेज करें. सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इवनिंग एंड इट्स एन ऑनर टू हैव देम हियर एंड बी अप्रिशिएटेड फॉर एक्टिंग इन आर फील्ड्स. थैंक यू. Excuse me, sir. You are the third? Hema ji, yes. All right. Get Hema ji. Yes. Hema ji. कामयाबी हासिल की ऐसी फिल्मों ने जिनका सोसाइटी से बहुत ही लेना देना था, जिनका इम्पैक्ट सोसाइटी पर और सोसाइटी से जुड़ी हुई बातों का, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, चाहे वो कार्तिकेय 2 हो और अब ऊंचाई, ये तीनों फिल्में एक अंदर तरीके से तो एंटरटेन की हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत गया है लोगों पर. अभी मैं ऊँचाई फिल्म चल रही है, इसको बहुत लोगों ने पसंद किया है. मैं उनको भी अवार्ड देना चाहता था. वो इतनी देर से, इतनी शिद्दत से और इतने पैशन से जिन लोगों ने भी अचीव किया है लाइफ में, उनको खड़े होकर इतनी देर तक अवार्ड दे रहे थे. इससे उनकी जो है सेंस ऑफ कमिटमेंट लोगों के प्रति, अपने दिए हुए काम के प्रति नज़र आती है. एंड आई एम कंग्रेचुलेटिंग देम फॉर द गुड वर्क दे आर डूइंग. मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम लोगों का. और ऊंचाई सूरज बरजातिया की बहुत बेहतरीन फिल्म है. सूरज बरजातिया और राजश्री प्रोडक्शंस ने 75 सालों में 60 फिल्में बनाई हैं, लेकिन अपनी
ज़मीन से हटकर, अपने जो प्रिंसिपल से हटकर उन्होंने कभी कोई फिल्म नहीं बनाई है, और बहुत सारी मात्रा में लोग जा रहे हैं, एंड इट्स इम्पैक्टिंग पीपल, एंड आई एम वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद उंचाई। बहुत अच्छा है, मतलब इसमें मैं सटल होने की कोशिश करने की भी नहीं कर रहा। इट्स अ ग्रेट ईयर फॉर मी, इट्स अ ग्रेट ईयर फॉर द ऑडियंसेस, इट्स अ ग्रेट ईयर फॉर पीपल। और अकेला इंसान जो है वो कभी कामयाबी का हकदार नहीं हो सकता। मेरे साथ 400 लोग जो यूनिट के लोग थे, बाकी कलाकार, बाकी एक्टर्स, बाकी यूनिट वाले, लाइटमैन, टेक्नीशियंस, उन सबका भी सहयोग होता है। बट चूंकि एक्टर पर्दे के सामने होते हैं इसलिए नाम उनका होता है, बट आई वॉन्ट टू थैंक दैम फॉर ब्लेसिंग मी एंड थैंक द ऑडियंस फॉर ब्लेसिंग मी विद दिस 3 मोस्ट अमेजिंग फिल्म ऑफ द ईयर। थैंक यू।